फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीश आर्ट एंड क्राफ्ट। मेरा नाम है अनीश सुरेश शिकारे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज की वीडियो में हम क्या बनाएंगे? आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये पेपर का कैलेंडर। और फ्रेंड्स, इसमें डेट, मंथ और डे है। और फ्रेंड्स, ये देखो चेंज भी हो सकता है, मंडे ट्यूजडे ऐसे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। आओ जल्दी से देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर। पहले हम वन स्केल लेंगे और मार्कर लेंगे, उसमें से 3 सेंटीमीटर हम लाइन मारेंगे। लाइन मारने के बाद हमें ऐसे फुल लाइन ड्रॉ करना होगा 3 सेंटीमीटर से। लाइन मारने के बाद हम यहाँ ऐसे स्केल रखेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें फिर से स्केल लेना है और 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी करना है। और यहाँ से भी हम 3 सेंटीमीटर करेंगे। ऐसे करने के बाद हमें इन दोनों के यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फोल्ड करना है। ध्यान से करिएगा, ये फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, वहाँ से ये पार्ट लेंगे और यहाँ से ऐसा फोल्ड करेंगे। ऐसा फोल्ड करने के बाद जैसे हमने ये किया वैसे हम ये भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद हमें इसे ऐसे ओपन करना है और ऐसे बैक टर्न करना है ऐसे। इसे हम ऐसे यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ध्यान से करिएगा, ये करने के बाद हम यहाँ पर एक ग्लू लेंगे और ऐसे ऐसे लगा देंगे दोनों साइड पे। अच्छे से हाथ से स्प्रे करेंगे, यहाँ से भी हम वैसे ही करेंगे। और फिर हम यहाँ से ऐसे इसको स्टिक करेंगे और यहाँ से भी हम इसे स्टिक करेंगे। और फिर यहाँ पर जो ये बचा था यहाँ पर भी हम थोड़ा सा गम लगाएंगे और इसे ऐसे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर फिर गम लगाएंगे, इसे ऐसे पेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पेस्ट करने के बाद हमने ऐसे क्लिक कर लिए हैं। वी हैव टू मेक ऐसे क्लिक। तीन बनाने के बाद हमें ये सब साइड में रखना है और एक वन पेपर लेंगे, उसे हम स्केल से यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेंगे साइज। यहाँ से 4 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर लेंगे। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर ऐसे बड़ी लाइन मार लेनी है। ध्यान से करिएगा, यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे। ध्यान से करिएगा, दोनों लाइन मारने के बाद हम यहाँ पर स्केल लेंगे और जो हमने लाइन मारी थी उसको हम बाहर से ऐसे फोल्ड करेंगे स्केल की मदद से। जैसे हमने ये साइड किया वैसे ही हम यह साइड भी कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे। ध्यान से करिएगा,
से ऐसे फोल्ड होने के बाद हम इसे यहाँ से ऐसे स्टिक कि हमें ऐसे ग्लू लगा देना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐसे ग्लू लगा देंगे थोड़ा। हाँ से करेंगे ऐसे अच्छे से ऐसे स्क्वायर करेंगे और फिर हम इसे यहाँ से ऐसे पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ऐसे ये करेंगे। ये हो जाने के बाद हमने जो ये बनाया था वो हम यहाँ पर ऐसे पेस्ट करना है। हमें यहाँ से ऐसे पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे ऐसे ऐसे पेस्ट करेंगे। और फिर जो बचा हुआ पार्ट है हम उसे यहाँ से ऐसे कट करेंगे। और फिर हमें यहाँ से इसे भी ऐसे ग्लू लगा देना है। और फिर हम ये लेंगे और यहाँ से इसे ऐसे मिडल में ऐसे लगा लेंगे। कैसे पेस्ट करना और जो बचा हुआ पार्ट है हम उसे सीवर से करेंगे। और जो हमारा लास्ट है उसे भी हम गम से लगा लेंगे। अच्छी तरह से लगाना है। ऐसे लगाने के बाद हम यहाँ पर इसे ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ऐसे पेस्ट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है हम उसे ऐसे कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें एक पेपर लेना है, इस पे वन नंबर लिख लेना है। अच्छे से वैसे शेयर कर लेंगे उसे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और फिर हमें ऐसे और कुछ ऐसे बना लेने हैं। और फिर हम ये लेंगे और इसे इसके अंदर ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे। और हमने इसे यहाँ पर एक बनाया और हमारा
जैसे मैं किया, मैं और ये मंडे और ये ऐसे बना के हम यहाँ पर ये लगाएंगे और यहाँ पर लास्ट बचेगा यहाँ पर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा कैलेंडर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।